तो हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड, कैसे कैसे हैं हैं आप आप दोस्तों? दोस्तों? आज आज मैं मैं आपको आपको बता बता रहा रहा हूँ हूँ बहुत बहुत ही ही कमाल कमाल के के सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी के के चार चार ऐसे ऐसे हिडन हिडन टिप्स टिप्स बताने बताने वाला वाला हूँ, हूँ, या या फिर फिर बोल बोल सकते सकते हैं हैं चार चार ऐसे ऐसे हिडन हिडन फीचर फीचर बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ जो जो कि कि आपको आपको अपने अपने सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी में में मिलती मिलती है, है, जिससे जिससे आप आप अपने अपने सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी को को बहुत बहुत ही ही अच्छे अच्छे से से यूज यूज कर कर पाएंगे पाएंगे आप आप बोल बोल सकते सकते हैं, हैं, उसके उसके आप आप उसके उसके परफेक्ट परफेक्ट यूजर यूजर बन बन सकते सकते हैं। हैं। तो तो क्या क्या है है ये ये चार चार टिप्स, टिप्स, कहाँ 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 मिलेंगी मिलेंगी सब सब मैं मैं आपको आपको आगे आगे डिटेल डिटेल बताने बताने वाला वाला हूँ। हूँ। आगे आगे बढ़ने बढ़ने से से पहले पहले मेरे मेरे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लो, लो, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बेल बेल आइकन आइकन को को दबा दबा दो दो ताकि ताकि ऐसी ऐसी नई नई अपडेट अपडेट यार यार आपको आपको सबसे सबसे मिले मिले और और हो हो सके सके मुझे मुझे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम और और फेसबुक फेसबुक फॉलो फॉलो कर कर लेना। लेना। चलते चलते हैं हैं दोस्तों दोस्तों आगे, आगे, मेरा मेरा नाम नाम सनी सनी और और आपका आपका स्वागत स्वागत है है मेरे मेरे चैनल चैनल ऐसे ऐसे टेक टेक में। में। तो तो जैसा जैसा कि कि मैंने मैंने बताया, बताया, मैं मैं आपको आपको बता बता रहा रहा हूँ हूँ बहुत बहुत ही ही कमाल कमाल के के हिडन हिडन टिप्स टिप्स या या हिडन हिडन सेटिंग्स सेटिंग्स बताने बताने वाला वाला जो जो कि कि आपको आपको अपने अपने सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी में में मिलती मिलती है, है, उसके उसके बारे बारे में में आगे आगे बताने बताने वाला वाला हूँ। हूँ। तो तो यहाँ यहाँ पर पर सबसे सबसे पहले पहले जो जो हिडन हिडन सेटिंग सेटिंग वो वो ये ये है, है, एक एक हिडन हिडन मेन्यू मेन्यू बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ जो जो कि कि आपको आपको मिलेगा मिलेगा आपके आपके फाइल फाइल मैनेजर मैनेजर के के अंदर। अंदर। तो तो आपको आपको उसके उसके लिए लिए जाना जाना है है यहाँ यहाँ पर पर अपने अपने मोबाइल मोबाइल के के सैमसंग सैमसंग के के फाइल फाइल मैनेजर मैनेजर वाली वाली ऐप ऐप में में चले चले जाना जाना है। है। वहाँ वहाँ जाने जाने के के बाद बाद आप आप यहाँ यहाँ पर पर जाएंगे जाएंगे थ्री थ्री डॉट्स डॉट्स पे पे एंड एंड देन देन यहाँ यहाँ पर पर जाना जाना है है सेटिंग्स सेटिंग्स वाले वाले ऑप्शन ऑप्शन पे। पे। लास्ट लास्ट में में जाएंगे जाएंगे आपको आपको अबाउट अबाउट माई माई वाई वाई फाइल फाइल वाली वाली ऑप्शन ऑप्शन पे पे जाना जाना है है एंड एंड देन देन यहाँ यहाँ पर पर वर्जन वर्जन वाले वाले सेक्शन सेक्शन पे पे आपको आपको कंटिन्यू कंटिन्यू क्लिक क्लिक करना करना है। है। और और जैसे जैसे ही ही आप आप वहाँ वहाँ पर पर क्लिक क्लिक करते करते जाएंगे जाएंगे तो तो कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ यहाँ पर पर प्रेस प्रेस करेंगे करेंगे तो तो वो वो वहाँ वहाँ पर पर आपका आपका एक एक हिडन हिडन मेन्यू मेन्यू या या बोल बोल सकते सकते हैं हैं हिडन हिडन लैब लैब इनेबल इनेबल हो हो जाएगी। जाएगी। यहाँ यहाँ पर पर आप आप देखेंगे देखेंगे माई माई फाइल फाइल लैब लैब के के अंदर अंदर आपको आपको ये ये माई माई फाइल फाइल लैब लैब मिल मिल जाएगी जाएगी अबाउट अबाउट के के नीचे नीचे ये ये नहीं। नहीं। जैसे जैसे आप आप उस उस पर पर क्लिक क्लिक करते करते जाएंगे जाएंगे अबाउट अबाउट वाले वाले सेक्शन सेक्शन पे पे एंड एंड देन देन ये ये इनेबल इनेबल हो हो जाएगी। जाएगी। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको कमाल कमाल के के नए 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 फीचर्स फीचर्स मिलेंगे। मिलेंगे। जैसे जैसे कि कि सबसे सबसे पहले पहले मिलेगा मिलेगा परमानेंट परमानेंट डिलीट डिलीट ऑप्शन। ऑप्शन। अब अब जब जब भी भी चीज़ चीज़ आप आप यहाँ यहाँ पर पर डिलीट डिलीट मारेंगे मारेंगे वो वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक परमानेंट परमानेंट डिलीट डिलीट हो हो जाएगी, जाएगी, जो जो कि कि पहले पहले नहीं नहीं होती होती थी। थी। अब अब डायरेक्टली डायरेक्टली आप आप परमानेंट परमानेंट डिलीट डिलीट कर कर पाएंगे, पाएंगे, रिसाइकिल रिसाइकिल बिन बिन में में नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। डायरेक्टली डायरेक्टली डिलीट डिलीट हो हो जाएगी। जाएगी। साथ साथ में में आप आप अपना अपना डेटा डेटा हिस्ट्री हिस्ट्री को को भी भी डिलीट डिलीट कर कर सकते सकते हैं हैं या या देख देख सकते सकते हैं। हैं। यहाँ यहाँ पर पर आप आप उसको उसको एक्सेस एक्सेस और और नई नई एक्सेस एक्सेस भी भी कर कर सकते सकते हैं हैं कि कि डेटा डेटा एक्सेस एक्सेस यहाँ यहाँ पर पर जाएंगे जाएंगे तो तो सारी सारी डेटा डेटा की की डिटेल डिटेल मिल मिल जाएगी, जाएगी, एप्स एप्स वाइज वाइज भी भी जाएं जाएं तो तो आप आप अपनी अपनी एप्स एप्स वाइज वाइज भी भी यहाँ यहाँ पर पर डेटा डेटा की हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ यहाँ पर पर चेकआउट चेकआउट कर कर सकते सकते हैं। हैं। उसके उसके अलावा अलावा नीचे नीचे फाइल फाइल ऑपरेशन ऑपरेशन हिस्ट्री हिस्ट्री भी भी मिल मिल जाएगी, जाएगी, कौन 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 सी सी ऑपरेशन ऑपरेशन सेटिंग्स सेटिंग्स करी करी हैं। हैं। मैं मैं मीडिया मीडिया फाइल्स फाइल्स इन इन पेंडिंग पेंडिंग स्टेटस स्टेटस में में आपको आपको दिख दिख जाएगा, जाएगा, कौन 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 सी सी फाइल फाइल आपकी आपकी पेंडिंग पेंडिंग स्टेटस स्टेटस में में या या आपकी आपकी मीडिया मीडिया फाइल फाइल है, है, और और रिंग रिंग वाइज वाइज फोल्डर फोल्डर भी भी आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर मिल मिल जाएगी। जाएगी। तो तो मेन मेन चीज़ चीज़ यहाँ यहाँ पर पर दो दो नए नए फीचर्स फीचर्स मिलते मिलते हैं हैं आपको, आपको, परमानेंट परमानेंट डिलीट डिलीट ऑप्शन ऑप्शन और और ये ये हिस्ट्री हिस्ट्री वाला वाला ऑप्शन, ऑप्शन, ये ये कमाल कमाल का का हिडन हिडन फीचर फीचर है। है। अब अब उसके उसके बाद बाद बात बात करें करें सेकंड सेकंड हिडन हिडन फीचर फीचर की, की, जो जो कि कि है है बहुत बहुत ही ही कमाल कमाल का, का, वो वो ये ये है है कि कि हमें हमें जब जब भी भी टॉर्च टॉर्च ऑन ऑन करना करना हो हो और और मान मान लो लो हमारा हमारा मोबाइल मोबाइल लॉक लॉक है है और और हमें हमें टॉर्च टॉर्च ऑन ऑन करना करना है है तो तो बड़ी बड़ी दिक्कत दिक्कत होती होती है। है। पहले पहले हमको हमको ऊपर ऊपर से से नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन या या अनलॉक अनलॉक करना करना पड़ेगा पड़ेगा तो तो जाके जाके हम हम टॉर्च टॉर्च ऑन ऑन कर कर पाते पाते थे। थे। बट बट आप आप सिंपली सिंपली यहाँ यहाँ पर पर पावर पावर की की को को प्रेस प्रेस करके करके रखेंगे, रखेंगे, ये ये टॉर्च टॉर्च ऑन ऑन हो हो जाएगी जाएगी आप आप देख देख सकते सकते हैं, हैं, और और वापस वापस मैं मैं पावर पावर की की को को प्रेस प्रेस करके करके रखूंगा रखूंगा और और ये ये ऑफ ऑफ हो हो जाएगी। जाएगी। तो तो आप आप ये ये सेटिंग सेटिंग भी भी अपने अपने सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी में में कर कर सकते सकते हैं हैं बहुत बहुत ईजिली। ईजिली इसके इसके लिए लिए आपको आपको करना करना क्या क्या है, है, अपने अपने मोबाइल मोबाइल की की जाना जाना है है आपको आपको गुडलक गुडलक वाली वाली ऐप ऐप के के अंदर अंदर चले चले जाना जाना है। है। गुडलक गुडलक वाली वाली ऐप ऐप के के अंदर अंदर जाने जाने के के बाद बाद आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर जाना जाना है है मेकअप मेकअप वाले वाले ऑप्शन ऑप्शन पे। पे यहाँ यहाँ पर पर जाने जाने के के बाद बाद सॉरी सॉरी यहाँ यहाँ जाना जाना है है लाइफ लाइफ वाले वाले ऑप्शन ऑप्शन पे। पे।
12 बजे का या 12:01 का जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम पे वो मैसेज सेंड हो जाएगा, चाहे बर्थडे विशेज हो चाहे एनिवर्सरी विशेज हो, जो भी आपको करना हो आप शेड्यूल करके एक मैसेज को सेट आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना कोई सा भी मैसेज जो लिखना है, आपको जिसको भेजना है, मैसेज को लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको किसी को भी अपना, ये पहले तो आपको कॉन्टैक्ट चूज कर लेना है और जिसको भी मैसेज लिखना है, जो भी लाइक मुझे यहाँ पर लिखना है हैप्पी बर्थडे, ये मैसेज मैंने टाइप कर लिया और मुझे ये भेजना है 21 तारीख को, जैसे अभी 17 तारीख है या फिर 18 तारीख है, मुझे 21 तारीख को भेजना है या 20 तारीख को। अब मैंने 21 तारीख को यहाँ पर सेट आउट कर लिया, 12:05 पर ही भेजना है, मैंने वो टाइम भी सेट आउट कर लिया और इसको यहाँ पर डन कर दिया। अभी शेड्यूल सेट हो गया है और अब मैं यहाँ पर इसको सेंड कर देता हूँ। अभी है ना, ये शेड्यूल सेंड हो गया, अब उस तारीख को ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक उस दिन सेट हो जाएगा जिस दिन मैंने यहाँ पर सेट आउट कर दिया है, उस दिन उतने बजे वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीवरी पर हो जाएगा। तो ये 4 टिप थी दोस्तों, यही 4 हिडन फीचर बताया दोस्तों। मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।